हाय गाइस, वेलकम टू कल्टीवेटिंग लाइफस्टाइल। तो यार, आज मैं सोच रहा था हम ना ये टॉपिक जो है डिटॉक्स ड्रिंक्स का, डिटॉक्स डाइट्स का, इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी टाइम से मार्केट में ना ये फेक डिटॉक्स ड्रिंक और डाइट का जो फॉर्मूला है ये चल पड़ा है, एंड लोग इसके पीछे बहुत पागल हुए पड़े हैं अपने वेट लॉस के लिए। उन्हें लगता है उनकी बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव हो जाएंगे सडनली, तो इस पर थोड़ी ना रोशनी डालते हैं आज। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार इसको लाइक कर दीजिए, सो दैट यूट्यूब इस वीडियो को बाकी लोगों को भी रिकमेंड करे, एंड नीचे सब्सक्राइब का जो बटन है उसको भी क्लिक कर दीजिए। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है अपनी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करना या अनवांटेड सब्सटेंसेस को रिमूव कर देना। तो ये जो डिटॉक्सिफिकेशन का फंडा है, इसको इंट्रोड्यूस किया था स्टैनली बुरोक्स ने अराउंड 1940s में, जब उन्होंने एक डाइट इंट्रोड्यूस की थी जिसे हम द मास्टर क्लेंस डाइट भी कहते हैं, या इसे लेमनेड डाइट, लेमन डिटॉक्स डाइट भी कहते हैं। और इन्होंने इसे रिवाइव किया था अपनी बुक द मास्टर क्लेंजर में, सेम नाम से इनकी बुक भी थी, उसमें इन्होंने इस डाइट को रिवाइव किया था। तो इस डाइट में होता क्या है? इस डाइट में आप कंज्यूम करते हैं मेनली लेमनेड यानी कि नींबू पानी, कुछ सॉल्ट वाटर की ड्रिंक और लेक्सेटिव टीज को, ठीक है। तो यहाँ पे इस डाइट का मेन एम है वेट लॉस, वो भी हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव करके। अब इससे बेकार बात तो मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं सुनी, क्योंकि ये जो स्टैनली बरोग्स हैं इन्होंने साइंस का कत्ल कर दिया ऐसी डाइट को इंट्रोड्यूस करके। तो अब ना हम समझते हैं कि इस डाइट में होता क्या है। आप मेनली 1 हफ्ते से 10 दिन तक इस डाइट को फॉलो करते हैं, और आप इसमें कंज्यूम कर रहे हैं नींबू पानी, लेक्सेटिव टी वगैरह वगैरह। सो बेसिकली आप बहुत ही कम कैलोरीज को कंज्यूम करें, इवन दिस इज़ लाइक लेस देन 800 कैलोरीज, 700 कैलोरीज, डिपेंडिंग ऑन द पर्सन वो कितनी कंज्यूम करना चाहता है पूरे दिन में। तो इस डाइट से इवेंचुअली आपका वेट लॉस तो होगा ही, लेकिन जैसा मैंने आपको फैट लॉस वर्सेज वेट लॉस वाली वीडियो में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो हमारी बॉडी का जो वेट है ना, ये बहुत सारी चीज़ों से कॉन्स्टिट्यूट होता है। हमारे बॉडी में कितना पानी है, कितना खून है, हमारी बोन्स का वेट, स्किन का वेट, एंड स्पेशली हमारे मसल मास का वेट। तो ऐसी स्टूपिड डाइट को जब आप फॉलो करते हैं जिसमें आप नींबू पानी पी रहे हैं, लेक्सेटिव टीज पी रहे हैं, तो इवेंचुअली आपकी बॉडी से पानी रिमूव हो जाएगा, आप मसल मास को लूज़ कर देंगे, इवेंचुअली आप बोन डेंसिटी को भी लूज़ कर देंगे। तो वेइंग स्केल के ऊपर तो आपका वेट डेफिनेटली कम होना ही है, लेकिन ऐसी डाइट को फॉलो करने से जो आपको हेल्थ में कॉम्प्लिकेशंस होंगी वो बहुत ही ज़्यादा हो सकती है। जैसे आपको बहुत ही ज़्यादा फटीग यानी कि थकान महसूस होती रहेगी, आप बिल्कुल एनर्जेटिक फील नहीं करने वाले, आप प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएंगे, आपका ब्रेन प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा। और अगर आपको कुछ और हेल्थ इश्यूज़ है, जैसे BP इश्यूज़ या कई सारे इश्यूज़ जो आपको हो सकते हैं, वो एलिवेट हो जाएंगे। तो ऐसी डाइट को फॉलो करना एक बेवकूफ़ी से कम बिल्कुल भी नहीं है। ऑन द अदर हैंड, ये डाइट्स क्लेम करती हैं कि हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव कर देंगी। बहुत ही अच्छे भाई, हमारी जो बॉडी है ये केपेबल है, बहुत अच्छे से केपेबल है हमारी बॉडी से सारे टॉक्सिन्स को रिमूव करने में। ये जो आप पूरा दिन वॉशरूम से अंदर बाहर करते रहते हैं, वहाँ पे हम टॉक्सिन्स को ही रिमूव कर रहे हैं अपनी बॉडी। हमारे जो ऑर्गन्स हैं जैसे कि किडनी हो गई, लिवर हो गई, इनका फंक्शन है बॉडी को डिटॉक्स करने का। नेचुरली हमारी बॉडी खुद को डिटॉक्स कर सकती है, और बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली कर सकती है हमारी इमेजिनेशन से कई अच्छे से। इन्हीं डिटॉक्स ड्रिंक्स के बीच में आ जाती है ड्रिंक्स जैसे कि हम नींबू पानी पी रहे हैं, हम लेमन एंड हनी वाटर पी रहे हैं, हम क्यूकम्बर वाटर पी रहे हैं। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि ये ड्रिंक्स बेनिफिशियल होती है, इनमें डिफरेंट विटामिन्स मिनरल्स हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, वो बेनिफिशियल हैं। पर ये ड्रिंक्स वेट लॉस के लिए बेनिफिशियल बिल्कुल भी नहीं है, इनसे किसी प्रकार का वेट लॉस आपको नहीं होने वाला। और जिस तरह का वेट लॉस होता है जो अभी मैंने वीडियो में आपको बताया, ये बहुत ही अनहेल्दी वेट लॉस है, आपको इस वेट लॉस को बिल्कुल एम नहीं करना है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप वेट लॉस सच में करना चाहते हैं तो आपको जिम जाना ही पड़ेगा। अगर जिम नहीं जा सकते तो रनिंग कीजिए, सम सॉर्ट ऑफ बॉडी वेट वर्कआउट्स कीजिए, आप किसी फॉर्म ऑफ कार्डियो वर्कआउट्स कर सकते हैं वगैरह वगैरह। अल्टीमेटली आपको मेहनत करनी ही होगी, वेट लॉस इज नॉट ईजी, इट डिमांड्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। सिमिलरली मसल बिल्डिंग इज नॉट ईजी, एनी काइंड ऑफ फिटनेस एक्टिविटी इज नॉट ईजी, आपको एक क्लीन डाइट को फॉलो करना ही पड़ेगा। क्लीन डाइट से मुझे याद आया कि जब आप ऐसी डिटॉक्स ड्रिंक्स या डिटॉक्स डाइट्स को फॉलो करते हैं, तो आपका जो माइंड है ये आपको इवेंचुअली ना ट्रिक करता है कि यार अब हमें हेल्दी ही खाना चाहिए। आप ऑटोमेटिकली जंक को बंद कर देते हैं, आप एक सॉर्ट ऑफ फिट लाइफस्टाइल की ओर बढ़ने लग जाते हैं, जिसकी
जिसकी वजह से भी आपको काफ़ी हेल्प होती है अपने फिटनेस गोल्स को अचीव करने में, बट उसका क्रेडिट आप इन डाइट्स या इन डिटॉक्स ड्रिंक्स को नहीं दे सकते। तो यार मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने जो डिटॉक्स ड्रिंक्स या डिटॉक्स डाइट को लेके जो मिथ थी उसे अच्छे से क्लियर कर दिया होगा। आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं उसे आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। इस वीडियो को लाइक करिए, इसे सभी के साथ शेयर करिए एंड कल्टीवेटिंग लाइफस्टाइल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।